गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो फिलहाल हम लेके आ गए आपके लिए एक और नई वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग आपको बेस्ट कैंपिंग एसेसरीज के बारे में बताएंगे, और जिसमें कि सारी चीजें होने वाली है, स्लीपिंग बैग से लेकर टेंट के सामान से लेकर लाइटिंग, लाइट कौन कौन सा आपको यूज करनी है और क्या क्या एसेंशियल चीजें आपको वहाँ ले जानी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं विंटर ट्रैक के लिए, तो वहाँ पर हमको जो जो जरूरी सामान लगा वो हम उस हिसाब से आपको बताएंगे। फिलहाल ले चलते हैं आपको सामान की तरफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा जो सबसे जरूरी होता है टेंट। तो टेंट हमने एक 4 पर्सन वाला टेंट मंगाया है, ये डीकैथलॉन से केजवा का, और ये है M100 ये है। और ये आप इसकी कीमत है लगभग 3000 रुपये। तो 3000 रुपये के उसमें सबसे बेस्ट टेंट माना जाता है, और कैंपिंग के लिए और विंड रोकने के लिए, बर्फ रोकने के लिए ये काफ़ी अच्छा टेंट है। तो फिलहाल इसको हम ओपन तो नहीं करेंगे, इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी कि इसको कैसे सेटअप करना है और क्या क्या जरूरी चीज़ें इसके साथ लगेंगी। तो फिलहाल इसको रखते हैं साइड। और टेंट के बाद सबसे पहले आती है एक मैट, जो कि है नहीं हमारे पास, जल्दी लेके आओ। ये हमारी मैट आ चुकी है हमारे पास, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो ये एक मैट है जो कि 5mm की है, और इसमें एक और है हमारे पास, ये भी 5mm की है, और ये काफ़ी ज़रूरी है टेंट के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो हम जब स्लीपिंग बैग जो होता है उसकी वजह से जो नीचे गर्मी बनती है उसकी वजह से टेंट होस को, पानी को अपनी तरफ खींचता है, और उसकी वजह से अंदर गीला हो सकता है और हमारा स्लीपिंग बैग भी गीला हो सकता है। तो एक मैट ले जाना जो बहुत ज़रूरी है, और उसको रखते हैं फिलहाल साइड। और उसके बाद आता है हमारा कैंपिंग स्टोव, और ये काफ़ी अच्छा स्टोव है, और इसको यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। ढक्कन खोला और इसको लगाने का काफ़ी सिंपल तरीका है। इसको बस ऐसे अंदर डाला और उसके बाद ऐसे घुमाया, और यहाँ से इसका लीवर होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे किया, और ये लाइटर है जल के भी, लेकिन इसको थोड़ा सा ये किया, और ये काफ़ी अच्छा स्टोव है, यूज़फुल है। एक गैस कैन लगभग हमारे 90 मिनट्स का बैकअप देती है, जितने ग्राम की ज़्यादा होती है उतना बैकअप इसका ज़्यादा होता है। और अब इसको हम बंद करते हैं, इससे आप खाना बना सकते हैं, और अगर आपको ठंड लगे तो उसको जला सकते हैं, लेकिन टेंट के अंदर थोड़ा रिस्की रहता है, अंदर ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, बाहर जाके आप यूज़ करें। और उसके बाद इसकी एक केन्स आती है, गैस केन, जो कि ब्यूटेन गैस वाली होती है, और ये मार्केट में लगभग 150 रुपये की मिल जाती है एक, और अमेजोन वगैरह से आप लेंगे तो आपको 600 रुपये के आसपास ये 4 का सेट मिलेगा। और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आई बटन पे भी आ रही होगी, तो आप हमसे क्लिक करके इनको चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ये LED लाइट है, ये हम इसको टेंट के अंदर पे एक हुक होता है ऊपर लगाने के लिए, उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं ऊपर टांग के। और उसके बाद ये इसके साथ वो इन्फिनिटी वाली रील्स मत करना, ये काफ़ी अच्छी है, टेंट के अंदर के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसमें से आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, आउटपुट भी इसमें दे रखा है एक, और इसमें 2 पावर वाले बटन दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग और एक वीक करके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, और इसमें से आप मोबाइल भी अपना चार्ज कर सकते हैं। इसमें पोर्ट्स दे रखे हैं, और होने को काफ़ी कम्पैक्ट भी है और फोल्ड भी आता है। एक और है ये वाला, इसको आप ऐसे हाथ में ही पकड़ सकते हैं, लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, और मेरे को लेकिन ये अच्छा लगा क्योंकि टेंट के ऊपर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक हेडलाइट जो सर पे लगा सकते हैं आप, क्योंकि पहाड़ चढ़ते टाइम रात की तरफ कभी रात को भी चलना पड़ सकता है, तो उस टाइम टॉर्च ले जाने से अच्छा आप इसको अपने सर पे लगा लीजिए, और सर पे लगाने के बाद ये चल जाता है, और इसमें भी आप रोशनी देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी है, तो रात को आपको फोन पकड़ के लगाना जरूरी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप अलग अलग एंगल्स पे भी आप मोड़ सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद आती है हमारी एक एमरजेंसी लाइट, बस इसकी ये दिक्कत है क्योंकि ये पावर बैंक से चार्ज नहीं हो सकती, डायरेक्ट बिजली से चार्ज हो सकती है। इसके भी 2 यूसेज है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एज अ लालटेन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और टॉर्च भी। तो लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रात को कैंपिंग के लिए, तो लाइट तो सबसे मेन है, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ, और ये बॉक्स में भी आपके सारे एसेंशियल होने चाहिए, बैंडेज वगैरह, पट्टी, बोर प्लस हमने वैसे रखा है ठंड में बचने के लिए, और ये होती है ट्यूब जो खुले वाली चोट पे लगती है, डिटॉल वगैरह, तो इसमें भी आपको सब कुछ रखना चाहिए, ये वैसे सबसे प्रायोरिटी लेवल में सबसे ऊपर आएगा। और हम अब चलते हैं अपने सबसे मेन स्लीपिंग बैग की तरफ, तो ये हमारा स्लीपिंग बैग,
और ये है हमारा 1% वाला स्लीपिंग बैग, बस रेडी टू यूज वाला है बिल्कुल। और इसके अंदर आप आराम से घुस सकते हैं, 6 फीट वाला पर्सन भी आ सकता है। और ये पूरा वाटर प्रूफ वगैरह होता है, -1 डिग्री तक का आपको ये गर्म कर सकता है इसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। बट अभी हम इसको ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक ठंड को रोक लेता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक ये 10 लीटर की पॉली वाली पॉलीथीन वाला बैग है, और ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है क्योंकि बड़े वगैरह केन वगैरह आप ले जा नहीं सकते, तो जहाँ पर आपको पानी मिले वहाँ पर इसे खोल के आप उसमें पानी भर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पानी कैरी करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आता है ये शूज, हमने ये भी डीकैथलॉन से केचवा की तरफ से आए हुए हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये अप टू मिड तक का वाटर प्रूफ है, स्नो प्रूफ है, और अंदर से इनकी जो फर वाली जो इसकी लेयर डाल रखी है, इसकी वजह से -5 डिग्री तक का आपको गर्म रखेगा आपके पाँव को, और पूरा एकदम वाटर प्रूफ है, तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अभी बाकी इसको हम यूज़ करके भी आपको बताएंगे, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है ये केचवा की तरफ से ये ग्लोवर आता है, ये ग्लोवर तो नहीं है, ये रेनकोट वाला पैंट है जिसको आप ओवर ऐसे पहन सकते हैं, और ये पानी से काफ़ी अच्छा बचाता है। ये है मिल्टन की बोतल, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पानी को गर्म रखने के लिए, और इसमें आप रख दीजिए गर्म पानी बिल्कुल, 2-3 तक कुछ भी नहीं होगा। ये 1 लीटर वाला आजकल सेल में ये 850 रुपीज़ की मिल गई थी, और ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आता है हमारा ये जैकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जैकेट है आपके डेली यूसेज के लिए तो नहीं है, तो ये बस ठंडी जगह पे जाने के लिए है, और ये लगभग -10 डिग्री तक सर्वाइव कर सकती है और आपको पूरा गर्म रखेगी। ये वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस और विंड प्रूफ सब कुछ है इसमें, और इसकी कीमत लगभग 3,000 के आसपास है, आपको ऑफर वगैरह में और सस्ती मिल जाएगी। और ये हमने परचेस किए डीकैथलॉन से, केचवा का है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप हमेशा अपने पास रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको रखते हैं अभी साइड। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, ये है हमारे बाइक वाले गियर्स, जो कि आप नीचे बाइकिंग करते टाइम भी पहन सकते हैं और पहाड़ पे चढ़ते टाइम भी पहन सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है और यूज़ में काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। बाकी इनकी कीमत भी है लगभग 1200 के आसपास, ये हाथ और पांव दोनों के लिए आ जाता है। हमारा हाथ वाला भी मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया है, कोई पहन के तो नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन अभी यही हमारे पास घुटनों को मतलब काफ़ी अच्छा बचाएगा आपके। और ये भी है, ये फेस मास्क, जो चोर बनने वाला मास्क होता है, चोर वाला नहीं, जो मतलब धूल से बचाने के लिए आपको रखता है वो वाला मास्क होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे आते हैं ये वाटरप्रूफ वाले और स्नो प्रूफ वाले ग्लव्स, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वैसे ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, लेकिन ओरिजिनल वाले भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, हमने मंगाए थे लेकिन वो शायद आएंगे टाइम, सामान टाइम से नहीं आ पाया, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, तो ग्लव्स आपके पास होने चाहिए स्नो प्रूफ वाले। और यार ऐसे करवाओ, तो ये सामान हमारा एक छूट गया था, हमने ऑर्डर किया है बट अभी आया नहीं है। और ये है हमारा कैंपिंग का सेट आता है, कुकिंग सेट, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा खाना बनाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये सेट आप चेक कर सकते हैं और इसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी हमारे YouTube चैनल पे। तो तब तक के लिए सी यू, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाकी और कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बाकी अगली बार अभी हम ध्यान रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जितना हमारे पास स्टफ़ था हमने आपको दिखा दिया, और सी यू, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।